तो ये है वृंदावन का हाट, जहां पर सभी वृंदावन वासी अपनी वस्तु क्रय विक्रय करने आते हैं। मुझे कोई योजना यही बनानी चाहिए। आज भी मेरी गाय का पूरा दूध बिक गया। अरे हरिहर बंधु, तुम्हारी गाय का दूध सबसे पहले कैसे बिक जाता है? मेरे लाभ का कारण और कोई नहीं, अभी तो काना है। कुछ भी कहो, काना है बड़ा दिव्य बालक। सब लोग बार बार कृष्णा की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कृष्णा का गुणगान और नहीं सुन सकता। मेरा क्रोध इन सब लोगों पर बरसेगा। मस्तक पर हाथ फेरकर मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। जाओ। मेरा मस्तक। ये तो हरिहर काका की गाय नंदिनी है। प्रहार करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अनुचित है। भैया क्षमा कर दीजिए, ये मेरी गाय है। सलट! अरे मनुष्य होकर जीवों पर क्रूरता करते हो, लगता है गांव में नए नए आए हो। सुनो भाई, वृंदावन में जीवों को सताया नहीं जाता। क्रोधित क्यों हो रहे हो काका? गौ माता को क्षमा कर दो। वृंदावन को नष्ट कर दूंगा मैं। यहाँ ना वृंदावन वासी बचेंगे, ना उनके पालतू पशु और ना उनका वो कृष्णा। कान्हा, दूसरों को कष्ट देने का परिणाम भी कष्टकर ही होता है, किंतु आज तक कोई असुर ये बात को समझ ही नहीं पाया। देखो ये रहा वो जलाशय, चलो इसमें ये विषैला रसायन मिला देते हैं, जो भी पिएगा उसका अंत निश्चित है।